थे क्या वो लास्ट क्लास वाले कंटेंट में कम टेबल थे? क्या मैम, जो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में मुझे ज्वाइन किया है क्या वो मेरी उस क्लास में कंफर्टेबल थे? मैं फिर उस अकॉर्डिंग आज के आगे का स्टार्ट करूंगी। यस मैम। ठीक है, तो मैंने बेसिकली आप लोगों को क्या करवाया था? ओके बच्चों, मैंने आप लोगों को बोर्स मॉडल का जो भी फॉर्मूलाज थे वो लिखवा दिए थे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराए थे। आज लास्ट में बस मुझे बोर्स मॉडल खत्म करना है उसकी कमियों के साथ। ठीक है, हर चीज कमियों के साथ ही खत्म होती है और फिर किसी नई चीज का जो है फिर से स्टार्ट होता है ना? तो बोर्स मॉडल आज मेरा टॉपिक यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। लिमिटेशन, इज इट विजिबल? यस मैम, मुझे डाउट है। हाँ, मैम रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी मैम, मार्क्सवेल ने बोला था कि वो ऐसे मतलब घूमता है तो वो अंदर कोलैप्स कर जाएगा, है ना? तो मैम रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर नहीं पाए थे, तो एक्सप्लेनेशन क्या है? मतलब ऐसा क्यों नहीं होता? बोर्स मॉडल ने वो नहीं बताया था सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स? अच्छा, ओके मैम। ठीक है, तो फोर्स काउंटर बैलेंस हो रहे थे इस वजह से फिजिक्स का वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हाँ बच्चों, रदरफोर्ड की कमियों के साथ मैं खत्म कर रही हूँ, सॉरी बोर्स की बात कर रही हूँ, बोर्स की खत्म कर रही हूँ। ठीक है, तो जल्दी से निकलो। फर्स्ट कमी इसकी ये थी कि इट इज एप्लीकेबल। मैम आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो? यस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि कोई अगर नेटवर्क इशू आ जाए, जैसे मेरी कल की क्लास में वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबली चांसेस मिल ही जाएगा, मतलब सही हो जाएगा रिकॉर्ड। ओके, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये सिस्टम वर्ड बड़ा ही कॉमनली मतलब यूज वर्ड है, जो किसी भी चीज के लिए, ग्रुप के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए कुछ मतलब यूज हो जाता है सिस्टम। ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अभी हमारे जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है वो एटम्स के बारे में चल रहा है, एटम या आयन है ना, इनके बारे में। तो सिस्टम हम इन्हें बोलेंगे। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन कौन से होते हैं दुनिया में? हाइड्रोजन एटम एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, हीलियम आयन एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, He+, Li+2 आयन एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, ये कैसे आया जरा समझ लो। तुम लोग पीरियोडिक टेबल में पता है पहले एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, फिर होता है बोरॉन और फिर चलता जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर बताती हूँ पहले मैं आपको। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 1, 2, 3, जैसे रोल नंबर होता है ना, वही एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रोल नंबर बोल दो। ठीक है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब जितना रोल नंबर है एटम का पीरियोडिक टेबल में उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम टाइम में क्लास में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है रोल नंबर से होता है, ऐसे पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स का सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो उनके रोल नंबर से होगा, और उसके रोल नंबर को हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक नंबर बोल देंगे। तो ये इनका एटॉमिक नंबर है, और इस एटॉमिक नंबर रोल नंबर की खास बात क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इतने इतने इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे इन्हें वन इलेक्ट्रॉन बनाना हो, यानी हाइड्रोजन जैसा, तो देखो हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं एच ई प्लस बन जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं उतना प्लस मतलब उस मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर अपीयर होने लगता है। अब जैसे देखो लिथियम, लिथियम का रोल नंबर है 3, यानी लिथियम अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर मुझे लिथियम को हाइड्रोजन जैसा शो करना है तो मैं क्या करूंगी? 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगी, है ना? हाँ, है ना, 3 में से 2 माइनस कर दूंगी, तो शुड आई नॉट कैरी दैट ना, फिर प्रोटॉन बन जाएगा, इसलिए प्लस का साइन लग जाएगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये वैसे भी ऐसा है, जैसे दिन की एब्सेंस हमेशा रात होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको सोच सकते हैं, मतलब नजरिया है चीजों को देखने का। ठीक है, तो हीलियम HE+ और लिथियम Li+, देखो मैंने ठीक लिखा क्या? अगर मुझे बेरिलियम को बनाना हो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो मैं कैसे बनाऊंगी? याद हो तो लास्ट क्लास में जब मैंने कराया था वो वाला, कौन सा? रिडबर्ग वाला। तो रिडबर्ग इक्वेशन में लास्ट में मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन में लिख के दिया था HE+2 आयन, Li+2 आयन,
है ना, तो वो क्या था, वो यही था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो ये वाली बात, तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया, ये वाली चीज टेबल जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिख के दिए, जिसको मैंने बाउंड्री में बाउंड किया है, ये एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में खाली बस पहला पॉइंट लिखना है, ओके। ये तो आपको लर्न कर मतलब थोड़ा दिमाग में आ जाए, प्रिंट बन जाए इसका, इसलिए मैंने आपको लिख के दे दिया। चलिए भाई, इसकी दूसरी कमी पर आते हैं। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म को डील करता है, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन Zemann Zeeman's effect and Stark effect। दो इफेक्ट के मैंने नाम लिखा है, Zeeman's effect and Stark effect, ठीक है। ये क्या है अभी बताती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जिन्हें Stark Stark अभी रिकॉर्डिंग चल रही है और प्रॉपरली हो रही है, तो प्रोबेबली आज को ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन Zeeman's effect and Stark effect। फर्स्ट पॉइंट इरेज कर दें क्या 11 क्लास? यस मैम। अब इन दोनों पॉइंट का मतलब आप मुझे बता दें। पढ़ा थी Zeeman और Stark? नहीं, ये नहीं पढ़ाया और नहीं पढ़ोगे, ये पढ़ाया भी नहीं है और पढ़ोगे भी नहीं, बस जस्ट यहीं पे आता ये, ठीक है, और कहीं नहीं आता। Zemann Zeeman's effect क्या है? It is splitting of SPECTRAL spectral lines under the influence of it is splitting of spectral lines under the influence of magnetic field। बस इसका मतलब मैं वर्बली समझा दूंगी, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये और एक स्टेटमेंट के अलावा इसने और कुछ नहीं पूछा जाता। Then Stark effect। Same। बस ऊपर का बिल्कुल सेम लिखना है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है। और आप मेरी तरह शॉर्टकट नहीं मारोगे, पूरा लिखोगे अपनी कॉपी पे। सुन लिया? इट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो ये कॉन्सेप्ट है इसका, उसके बेस पर आगे के जो टॉपिक हैं हम वो पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये इतना सही है, तो दोनों का डेफिनेशन लिखो, मतलब समझाती हूँ अभी। Splitting of spectral line under the influence of magnetic field और उधर electric field। हाँ, लिख लिया क्या? Yes, ma'am। Okay। तो इसको मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की ऐसे कोशिश करती हूँ कि एक कमरा है, ठीक है, आप अपने एक कमरे में बैठे हैं, उसमें ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है, ट्यूबलाइट से लाइट जा रही है, ठीक है। उस ट्यूबलाइट के अंदर, ट्यूब के अंदर कोई गैस भरी थी, तो एक साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो ट्यूबलाइट है, इसमें जो गैस भरी है, उसमें यानी गैस के एटम्स हैं। जब उसने इलेक्ट्रिसिटी यानी स्विच को ऑन किया, तो उन एटम्स का नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके गया, फिर वो वापस नीचे आया, तो वो लाइट एमिट कर रहा है, तो वो लाइट हमको ट्यूबलाइट से आती हुई दिख रही। इतनी बात सबको क्लियर है?
अब वो जो लाइट आ रही थी तो साइंटिस्ट ने कहा मैं इस लाइट को रीड करके और मैं देखना चाहता हूँ इसमें कौन कौन सी वेवलेंथ है। तो उसने बड़ा टेक्नोलॉजिकली एक कोई डिवाइस थी उसको अटैच किया अपने कंप्यूटर से, तो उसने उस लाइट को पकड़ा, उसने जितने भी कलर्स थे उनको डिटेक्ट किया और उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लैम्डा लैम्डा यानी मतलब एक ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस पर लैम्डा था, ठीक है। तो वो ग्राफ ऐसे बना, इसमें कुछ लाइंस आई, फिर बीच में कुछ गैप, कुछ कलर था, मतलब ये सारे कलर का लैम्डा था ना, कल डिफरेंट कलर की वेवलेंथ। तो ऐसे जो है, ऐसे जो जो कलर उस ट्यूब से आ रहे थे उन कलर की ऐसे ऐसे लाइंस आती गई, ठीक है, इसको पूरा ऐसे, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ट्यूब से जो जो भी कलर निकल रहे थे उसके लैम्डा का ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस कमरे में, जिस कमरे में वो ट्यूबलाइट थी, ट्यूब से लाइट आ रही थी और उसका जो डिटेक्टर वाली डिवाइस रखी थी उस कमरे में, उसने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी रख दिया जो जो पूरे कमरे के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रहा था, यानी उस कमरे में रखी हुई हर चीज पर, मतलब इतना सा मैग्नेट का टुकड़ा नहीं, प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड जो कमरे की हर चीज को अफेक्ट कर जाए, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने रखा, यानी कमरे में रखी हुई हर चीज का एटम मैग्नेट से अफेक्ट हो रहा होगा। अफेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि सब उससे जाके चिपक जाए, ठीक है, हर चीज मैग्नेट से जाके नहीं चिपकती है, ठीक है, वो दूर बैठे बैठे भी उसे उसके फील्ड से अफेक्ट हो सकती है। तो वही अफेक्ट ट्यूब के अंदर भरे हुए गैस के एटम पर भी हुआ। उस एटम के अंदर क्या देखा कि जब हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखा तो ये जो ग्राफ था वो ऐसा नहीं आया, ठीक है, अब ऐसा आया, जैसे सपोज ये लाइन थी, ये लेवल दिख रहा है ना, ये लाइन थी, तो हर लाइन के अराउंड छोटी छोटी सी बैंड आई, यानी हर एक लाइन मेन लाइन उसमें थी या लेकिन वो अलग अलग नंबर में डिफरेंट बैंड में स्प्लिट हो रही थी, ठीक है, यानी एक लाइन की जगह वही थी, उसके आसपास के जो थोड़े थोड़े से वेवलेंथ और आ गए, समझ गए ना, ये एक लाइन है, ठीक है, तो इसमें आसपास यहाँ 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 पर छोटी छोटी सी लाइन और आ गई, ठीक है, और वो लाइन बिल्कुल इसके पास पास में थी, यानी एक लाइन स्प्लिट हो गई, जैसे ये मेरा एक हाथ है, ठीक है, और ये मैंने फिंगर को स्प्लिट कर दिया, तो मेरे हाथ की कई सारी स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है, जो फिंगर्स अभी पूरा एक दिख रहा था अब ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, इस तरह से हर लाइन स्प्लिट हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ये जो लाइन थी, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन थी अब वो स्प्लिट हो गई, छोटी छोटी लाइंस के बैंड्स में वो कन्वर्ट हो गई। ऐसा क्यों हो गया वो ये नहीं बता पाया, वो नहीं बता पाया। अच्छा, अब वो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस कमरे से वो मैग्नेट हटाया, मैग्नेटिक फील्ड हटाया, अब की बार उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो भी ऐसा कि इतना सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग था कि वो हर चीज के एटम को अफेक्ट करे, ठीक है, तो है ना, तो सेम कहानी, एग्जैक्टली सेम पैटर्न तब भी बना जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यानी ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ये छोटी छोटी बंडल ऑफ लाइन में स्प्लिट हो गई। तो बोर इस बात को नहीं समझा पाया दुनिया को कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम में ऐसा क्या हो गया कि उससे जो निकलने वाली लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस थी, अब वो कई सारे बंडल ऑफ लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। तो जो आगे की कहानी रिसर्चेस की स्टार्ट हुई वो इसी टॉपिक से स्टार्ट हुई, है ना, एक की जहां कमी आती है वहीं से अगला रिसर्च स्टार्ट होता है, उसके भी फिर कुछ अचीवमेंट्स होते हैं और जहां उसकी कमी होती है तो अगली सोच वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बोहर ने ये वाला जो पॉइंट नहीं समझा पाया, इसी के बाद जो मॉडर्न साइंस के जितनी भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, उसके बाद हमें पता चले, ठीक है, लेकिन वो बस एक माइलस्टोन था, उसने एक अलग ही सोच दे दी थी एटम को देखने की, ठीक है। तो ये दो क्या दोनों स्टेटमेंट्स याद हो जाएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस यस मैम, ठीक है बच्चों, तो ये इसकी दो मेन कमियां हैं। चलिए अब यहाँ पर बोहर की कहानी खत्म हुई, ठीक है। अब इसके बाद जब रिसर्च चल रहे थे तो जो अगला सबसे फेमस जो थ्योरी आई, दो थ्योरी मेन थी,
ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। अब लेते हैं आज डी, आज कोई नया तो नहीं है, वेव इक्वेशन। और बुक्स में इस टॉपिक का एक नाम और लिखा जाता है, ये मेरा मार्कर विजिबल है क्या? मार्कर विजिबल नहीं है तो मुझे बता देना, कई बार मैं अपने फ्लो में लिखती जाती हूँ और मुझे बाद में लगता है कि मैंने डी ब्रोगली स्पेलिंग बता देंगे। हाँ, डी ई फिर मैंने हाइफन बनाया है, बी आर ओ जी ब्रॉग एल आई ई, डी ई बी आर ओ जी ब्रॉग एल आई ई, ठीक है। लिमिटेशंस का पार्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं, लिमिटेशन खत्म, दो लिमिटेशंस थी, लिमिटेशन खत्म, अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग, ठीक है। तो मेरा अगला टॉपिक है बोहर, खत्म हो गया दो लिमिटेशन पर, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। अगला टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के नाम से भी इसे लिखा जाता है बुक्स में, दोनों ही चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब डी ब्रोगली का पहले एक दो लाइनें हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक है, वो लिखा देती हूँ, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फटाफट से लिखो। तो इसने पॉइंट वाइज लिखा, पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मटीरियल पार्टिकल्स All material particles in motion, मतलब बताऊंगी अभी इसका, possess wave character. ठीक है, according to de Broglie, all material particles in motion possess wave character. Next point में the wave associated with these particles is called matter wave. ठीक है, यहाँ बस ये दो लाइनें लिख लो, फिर जब इसकी फॉर्मूला पर आएंगे, यहाँ से एक इस एटम की दुनिया को एक अलग ही डायमेंशन मिल गया, ठीक है, मतलब बहुत अलग तरीके की उन्होंने बात की। मैं आपको उस बात को बताने समझाने की कोशिश करती हूँ, पहले लिख लो, बोर्ड वर्क फिनिश कर लो, हो जाए तो मुझे बताओ। हो गया अच्छा, अब इसको मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ, इनका जो मानना था वो क्या था? मैम रब मत करो, मैम मैं लिख नहीं पाया था। अरे नहीं, चलो अब कहाँ तक लिखा? मैंने क्या कहा था, मुझे बोला करो पहले, जिनका नहीं हुआ वो पहले बोला करो। चलो मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, ओके। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, कहाँ से बोलूँ बताओ, ऑल मटीरियल पार्टिकल इन मोशन पोजेस वेव कैरेक्टर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक सबका हो गया बच्चों? हाँ 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 बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मटीरियल पार्टिकल्स इन मोशन पोजेस वेव कैरेक्टर, हो गया क्या? पोजेस वेव कैरेक्टर, क्लियर अग्रिमा? All material particles, हाँ ठीक है। Second point लिखो, the wave associated with the particles, the wave associated with the particles is called as matter wave. Is called as matter wave. Clear? लिख लिया? अब सबसे पहले जब भी मैं पूछूं मिटा दूं क्या, तो जिन लोगों ने लिख लिया ना वो मत बोलो, जो लिख रहे हैं ना वो बोलो नो मैम, ठीक है। मुझे क्या बोलते सब लोग जिन्होंने लिख लिया यस मैम, फिर मैं क्या सोचूंगी बताओ, तुम लोग मुझे देख थोड़ी ना गए हो। अच्छा तो आगे, अब जरा सुनो, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, सपोज एक कार है,
ठीक है, अगर वो रुकी हुई है, ठीक है, अगर वो रुकी हुई है तब तो क्या है, वो सिर्फ मैटर है ना, अगर क्या बोली स्टेशनरी है वो, या नॉट इन मोशन लिख देती हूँ। अगर एक कार रुकी हुई है, किसी मोशन में नहीं है, तो वो सिर्फ एक कार है, मतलब वो हम बोल देंगे साइंस की भाषा में वो एक मैटर है। लेकिन अगर यही कार मूविंग कार है, ठीक है, तो डी ब्रॉगली क्या कहता है, इस चलती हुई कार को अब आप मैटर तो बोलोगे, ये मैटर तो है क्योंकि इसके अंदर मास तो है, लेकिन इस मैटर के साथ एक वेव नेचर आ गया इसके अंदर। हर चलती हुई चीज में एक वेवी नेचर आ जाता है, हर चलती हुई चीज के साथ एक वेवी नेचर एसोसिएट हो जाता है, ऐसा इसका मानना था। ठीक है, तो ये मैटर प्लस वेव दोनों बनने लग गई। ठीक है, इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से बताती हूँ। हाँ बोलो मैम, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो गया। बता रही हूँ फिर से। ठीक है, एक कार है विच इज नॉट इन मोशन, वो रुकी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है, तो उस कार को आप साइंस की भाषा में बोलोगे कि वो जस्ट एक मैटर है। ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग मास एंड इट ऑक्यूपाई वॉल्यूम, है ना, 9th 10th में पढ़ा था ये। ठीक है, तो यानी ये मैटर है, लेकिन जब वही कार चल रही है, वो मूविंग कार है, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो मैटर तो है, लेकिन उसकी जो वो चलती हुई जो है, मूविंग जो सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, उसके साथ एक वेवी नेचर भी एसोसिएट हो जाता है। वो वेव जो है आप उसको बोल दोगे मैटर वेव, तो यानी मूविंग कार को बोल देंगे कि वो मैटर और वेव दोनों है, यानी मूविंग कार का ड्यूअल नेचर है मैटर और वेव। ठीक है, इसी तरह इसको मैं जरा इमेजिन करवाने की कोशिश करती हूँ, हालांकि ये फॉल्स इमेजिनेशन है। ठीक है, लेकिन आप उसे रिलेट कर पाओगे। फैन है, ठीक है, फैन जब रुका हुआ है तो उसमें जो लिड्स होती है वो आप काउंट कर लेते हो, 3 लिड्स होती है, 1 2 3, रुका हुआ फैन। ये रुका हुआ फैन प्योरली मैटर है। ठीक है, अब जरा चलता हुआ जो फैन है उसमें मुझे काउंट करके बताओ, देखो अपने ऊपर चलते हुए फैन में तुम्हें क्या दिख रहा है, एक वेवी जोन दिख रहा है, है ना। हाँ 3 है, लेकिन अभी काउंट करके बताओ, अगर तुम्हें पता नहीं होता, ठीक है, और फैन चल रहा होता, काउंट करके बताओ, तुम नहीं काउंट कर सकते थे। ठीक है, अच्छा एक और इसको इस तरह से समझो, अगर लिड है ना, ये लिड है फैन का, लिड है ये, ठीक है, या जो भी इसको बोलते हैं, है ना, यहाँ से आपने देखा तो क्या उसकी तार आपको छत दिख जाएगी। हाँ बोलो मैम, तब भी 3 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैम वो अलग ही चमक रहा है, वो वाला पार्ट, वो उस साइड थोड़ा डार्क डार्क है, इसलिए तब भी 3 ही चमक रहा है। हम एक्सेप्शंस आर इन एवरी केस। यस, इट्स अ गुड आंसर, मैं तो उसको आंसर नहीं कर पा रही थी। तो बात जाते, तुम्हारा फैन स्लो होगा, स्लो में दिख जाता है, तेज में नहीं दिखता। ठीक है, या कोई डिजाइन होगी तो उसका कोई क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैम अगर पंखा तो हुआ, अच्छा चुप रहो। ठीक है, ये है ना लिड है फैन का, फैन रुका हुआ है, तुम नीचे से देखोगे क्या उसकी पार तुम्हें छत दिख जाती है, नहीं दिखते ना। अब चलते हुए फैन में देखो, तुम्हें छत दिख रही है, पूरी छत दिख रही है, तो क्यों क्यों दिख रही है, क्योंकि उसमें एक वेवी नेचर उससे एसोसिएट हो गया। तो ये कहना था डी ब्रॉकली का कि दुनिया की हर चलती हुई चीज के साथ एक वेवी नेचर एसोसिएट होता है, हम उसे ऑब्जर्व कर पाए, मतलब सामने से, ठीक है, नेकेड आई से हम उसे ऑब्जर्व कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वेवी नेचर एसोसिएट होता है, जिसको हम डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट कैलकुलेशन से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी फैन है तो जब नॉट इन मोशन है तो वो मैटर है, लेकिन जब वो मूविंग हो गया, ठीक है, तो अब डी ब्रॉगली कहते हैं कि नाउ इट इज मैटर प्लस वेव, इसके साथ एक वेव भी जुड़ी है और इसके साथ एक मास भी जुड़ा है। ठीक है, वेव बनने से इसके मास में कोई फर्क नहीं आएगा, वो जितना भारी था, जितना ग्राम किलोग्राम का था, उतना ही रहेगा, बस उसके साथ एक वेवी जोन अटैच हो गया। ठीक है, अब इमेजिन करो तुम्हारे फैन की जो स्पीड है, और तुमने बोर्स मॉडल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, कितना था, 2.188 × 10⁸ cm/s।
ठीक है 10 की पावर 8 यानी फैन से कई गुना ज्यादा स्पीड से वो घूम रहा होगा, तो जो और वो कंटिन्यू घूमता है, इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है, एटम में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू घूम रहा होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का पकड़ना कितना मुश्किल है कि ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन का हम क्या रीड, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या और भी जो टेक्नोलॉजी है उससे हम क्या रीड कर पाते हैं, हम खाली ऐसा वेवी जोन रीड कर पाते हैं, हमें जस्ट उसका वेवी जोन फील होता है कि ओके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर अगले ऑर्बिट में अगला ऐसा वेवी जोन है, फिर अगले ऑर्बिट में अगला ऐसा वेवी जोन है, जहां जहां पर हमें ऐसा डार्क प्लेसेस दिखता है वहां हम इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमें इस तरह से डिटेक्ट होता है, बिल्कुल मोती की तरह एक ऑर्बिट में बैठा है ऐसा हमें नहीं मिलता होगा स्फेरिकली, ठीक है, लेकिन वो हमें वैसा नहीं मिलता है, समझ गए, स्फेरिकल या और कैसा भी हो तो, ठीक है, लेकिन वो हमें वेवी जोन में ही मिलेगा क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, तो बिल्कुल फैन की तरह, फैन के क्लाउडी जोन की तरह आप उसको इमेजिन कर सकते हो, तो हमें इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्लाउडी जोन मिलता है, ठीक है। और उसके साथ वो जो क्लाउडी जोन है, जो वेव एसोसिएटेड है, क्योंकि वो मैटर किसी मास की वेव है, तो हम उस वेव को क्या बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे, ठीक है। तो अब जो दो लाइनें मैंने लिखवाई है, मैंने देखो क्या लिखवाई, पहली लाइन में मैंने लिखवाया कि डी ब्रॉगली साहब ये कहते हैं कि हर मूविंग मैटर जो है, हर चलता हुआ मास, उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है उसके साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखवाया, इस वेव को क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं, क्योंकि ये मैटर की वेव है, ठीक है, सनलाइट वाली वेव नहीं है। फिर से बोलो मैम, इस लॉजिक से तो कोई अगर चलता हो इंसानों का तो वो भी वेव नेचर का हो गया। अगर आप इतनी आप इतनी स्पीड से चलो तो बिल्कुल हर चलती हुई चीज में, बस डिफरेंस ये है कि हम उसकी वेव को कितना क्लियरली डिटेक्ट कर पाते हैं नहीं। अभी इसी बात को भी इसका फॉर्मूला देके जो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, जो आप पूछ रही हो कि फिर बिल्कुल अगर हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमारे साथ भी एक वेवी जोन एसोसिएटेड है, ठीक है। तुमने वो नहीं देखा जैसे कोई मूवी है, हम स्लो मोशन में देखते हैं या बहुत फास्ट मोशन का भी देखो ना, फास्ट मोशन में देखते कोई मूवमेंट है तो तुमने ऐसा क्लाउडी जोन नहीं देखते उस बॉडी स्ट्रक्चर के अराउंड, दिखता है, है ना, तो वो क्या है, वो दैट इज वेवी जोन। आप उसको मतलब स्पीड ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए। अब फॉर्मूला से इस बात को इन्होंने बताया, तो मैं मिटा दूं क्या ये सब, ठीक है। तो अब सीधे इसके फॉर्मूला पर आते हैं। डी ब्रॉगली ने क्या बताया, उन्होंने कुछ फॉर्मूला उन्होंने दिए, और पहला फॉर्मूला का था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और P का फॉर्मूला होता है M into V, ठीक है। मैं अभी इन सबका मतलब आपको लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया, यहाँ पर जो P है वो क्या है, एक मिनट, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, P बिल्कुल ये मोमेंटम है, बिल्कुल बिल्कुल, लैम्डा इक्वल्स टू, बिल्कुल लैम्डा इक्वल्स टू H बाय P। मैं कैमरा थोड़ा पास करूं क्या, कुछ ऐसा इशू हो तो मुझे बताओ। मैम बिल्कुल स्क्रीन है, मैम मेरे साइड से नेटवर्क अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी इक्वल्स टू एच बाय एम वी, ठीक है, लिख लिया क्या, ठीक है। अब पी फॉर मोमेंटम क्या बेटा, फिर से बोलो, P इक्वल टू एम वी, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लिख लिया एच बाय पी, पी फॉर पैरेट, लिख लिया पी मोमेंटम यहाँ पर होगा, इक्वल्स टू पी का फॉर्मूला लिख दो एम इंटू वी, तो एच अपॉन एम इंटू वी अगला फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है क्या, सबने लिख लिया, हाँ हाँ वही, सब जगह वही एच आएगा, जहां भी एच लिखा है पूरी केमिस्ट्री में वो यही वाला आएगा, ठीक है। मोमेंटम एम क्या है, एम है मास ऑफ मैटर, वो जो भी सब्सटेंस हम बीट कर रहे हैं, मास, एम फॉर मास ऑफ मैटर, जो भी मैटर हम ले, ठीक है। वी क्या है यहाँ पर, वी इज वेलोसिटी ऑफ दैट मैटर, ठीक है। H क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट,
प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लोगों को याद करनी है और बहुत सारी जगह पर यूज होने वाली है, 6.626 इंटू 10^-34 जूल्स इंटू सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑफ दैट मैटर वेव। तो अब जरा इस रिलेशन में देखो, लैम्डा और वेलोसिटी का रिलेशन इनवर्स है, इसी तरह लैम्डा और मास का रिलेशन भी इनवर्स है। पहले वेलोसिटी से मैं रिलेट करती हूँ, सुन लो जरा फिर लिख लेना, ठीक है? मैं कुछ लब नहीं कर रही हूँ। लैम्डा और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है, यानी क्या मैं बोल दूं कि लैम्डा उतना, देखो हम लोग बड़े लैम्डास को इजीली ऑब्जर्व कर पाते, छोटे लैम्डास को इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसके लिए हमें किसी डिटेक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना ज्यादा हमारे लिए ऑब्जर्वेबल होगा। देखो वेलोसिटी जितनी ज्यादा, नहीं अरे सॉरी, पहले मास, पहली बात तो मास का देखो जरा, ठीक है? एक्चुअली इसको रिलेट कैसे करते हैं, मास अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और लैम्डा को रिलेट करो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास और लैम्डा को। पहले मास वाला मैं बताना चाह रही थी, तो मास जितना ज्यादा यानी जितना हैवी होगा, ठीक है, उसका लैम्डा उतना छोटा होगा। तो जो हम डेली लाइफ में चीजें देखते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है या बॉल है या कार है या फैन है, ये सब हमें दिख रही है, इनके मासेस ग्राम्स किलोग्राम में होते हैं, तो इनका लैम्डा बहुत ही माइनूट, बहुत छोटा होता है। और जो एटम्स के अंदर की बातें हैं, ठीक है, छोटे एटम्स है, आयन्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मासेस बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो इनका लैम्डा जो होता है वो काफी बड़ा होता है इनके मूवमेंट का, तो वो ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, तो यानी डी ब्रॉगली ये कहता है कि मैंने जो फॉर्मूला दिया इसमें ऑब्जर्वेबल लैम्डा कहाँ होगा, जहां पर चीजें माइक्रोस्कोपिक होंगी, बहुत ही कम मास की चीजें होंगी। ठीक है, कब? व्हेन एच एंड वी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो लैम्डा और मास को आप रिलेट कर पा रहे हो। हम एक बार और बता देंगे, भारी चीजों का, बड़ी चीजों का लैम्डा छोटा, छोटी चीजों का लैम्डा बड़ा। मैम ऐसे कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ है कि भाई इसके ऊपर वाली हम देख सकते हैं और नहीं, वो देख तो हम कोई भी वेवलेंथ नहीं सकते, हम तो डिटेक्टर से, डिवाइस से इसको डिटेक्ट ही करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत माइन्यूट चीजों को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस होती है वो बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन वाली होनी चाहिए, हाई पावर की होनी चाहिए, और जो थोड़े छोटे लैम्डा है तो जो ऑप्टिमम पावर है उससे भी काम हो जाता है। तो बड़े लैम्डास को ऑब्जर्व करना आसान है, तो डी ब्रॉगली में है ना, जो भी हम मशीन सेटअप बनाते हैं तो जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं उसका लैम्डा तो डिटेक्टेबल हो जाता है, लेकिन बड़ी चीजों की वेवलेंथ, चलती हुई कार है, चलता हुआ फैन है, ठीक है, उनका जो है वो डिटेक्ट होना मुश्किल होता है। ठीक है, है ना, तो बस डी ब्रॉगली का ये कहना था कि दुनिया के हर मैटर के लिए ये चीज एप्लीकेबल है, कोई भी मास अगर चल रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके साथ एक वेवलेंथ, वेव कैरेक्टर हमेशा एसोसिएट होगा। ठीक है, तो दैट इज दैट लैम्डा, दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन गिवन बाय डी ब्रॉग। ठीक है, अब इसकी एक दो इक्वेशंस और हैं, अब ये वाला सारा लिखिए। ठीक है, लास्ट में अभी लाइन लिखवाऊंगी कि इट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ऐसा बुक्स में लिखा जाता है, तो इस वजह से लिखा जाता है। नीचे जो है वो लिख लिया बच्चों? यस मैम। ओके, मैं जरा म्यूट कर रही हूँ, तब तक आप लिखो। एक हाँ बच्चों,
सबने लिख लिया होगा ना। अब इसकी सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। आपके पास हम तो खाली कंक्लूजन पढ़ रहे हैं अभी, हम तो जस्ट छू के निकल रहे हैं इनको। ठीक है, रोका कैसे उन्हें, मतलब रोका नहीं बेटा, रोका नहीं, इसी मैनर में घूमते हुए मैनर में ऑब्जर्व हुई है सारी चीजें, रोका नहीं है। लेकिन ये है कि उसके आस पास तो पहुंच गए कि ओके ऐसा होता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी को ही मैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करूं तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये आती है। यहाँ पे एम और बी से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाल लोगे आप। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वी की है ना, तो मैंने जस्ट वैल्यू रखे और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन दे दी, एच अपॉन अंडर द रूट टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन यहाँ। ठीक है, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का डाटा दिया जाता है तो आपको इससे करना है। अगेन एम तो मास ऑफ, बाकी सारी चीजें सेम है। इक्वेशन नंबर टू, अगर सपोज आपके क्वेश्चन में, और इसमें बस ये थ्योरी थी, थ्योरी हो गई, दो लाइन की थी, बस इक्वेशंस करनी है और सीधे फॉर्मूला लगाने, डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी अगर कई बार इलेक्ट्रोवोल्ट में, वैसे तो एनर्जी जूल्स में दी जाती है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में दी जाती है तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख रही हूँ ई बी, यहाँ पे बी में कैपिटल लिख रही हूँ, इंटू एम। ठीक है, तो दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री। क्वेश्चन के पैरामीटर देख के आप डिसाइड करेंगे। ई यहाँ पर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स और कैपिटल लेटर बी है वोल्टेज, जो अक्सर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इतना वोल्टेज हमने इलेक्ट्रॉन पर लगाया जिसकी वजह से वो भाग रहा है। ठीक है, तो वो बी फॉर वोल्टेज है, तो उसका लैम्डा आपको निकालना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दिख रहा बोर्ड पे, 1.6 × 10⁻¹⁹। ओके मैम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स सी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो थ्री इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन यहाँ लिख दू, ये वाला पार्ट विजिबल है। ये कलर बताओ, ये कलर विजिबल है क्या, रेड? यस मैम। (2πr = n λ) इसमें हर n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया। लैम्डा हो गया, लैम्डा वही वेवलेंथ, r फॉर रेडियस। ठीक है, इक्वेशन नंबर फोर। तो ये चार इक्वेशंस हैं। n और फिर लैम्डा। हम n लैम्डा का सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। जैसे बोलो, हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं ना, मतलब ये तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर्कमफेरेंस से ही है, तो इसी से ही है, इसका मतलब 2πr है ना (n λ) बिल्कुल। अच्छा, इस पे एक लास्ट में नोट लिखो, इक्वेशन नंबर फोर के बारे में कुछ स्पेशल खास बात है। नोट कुछ ऐसा है, इक्वेशन नंबर फोर इज कनेक्शन लिंक, इट इज कनेक्शन लिंक। की कलर दिख रहा है क्या बताओ, बिटवीन बोर्स मॉडल एंड
ही प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो दोनों है, दोनों इक्वेशन के बीच में ये वाली इक्वेशन, दोनों थ्योरीज के बीच में ये वाली इक्वेशन कनेक्शन लिंक है। कैसे है अभी बताती हूँ, पहले लिख लो फिर मुझे बोर्ड से कुछ रब करना। मैम ये एंड के बाद आपने क्या लिखा है? एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन, एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन। और मैम ये आपने इक्वेशन में सबसे पहले कौन से इक्वेशन की बात की? नोट में, नोट में इक्वेशन नंबर 4 जो रेड कलर से लिखा है ना मैंने, वो इक्वेशन नंबर 4। मैम इसमें तो बहुत सारे हैं। हाँ, अरे ये चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल है। मैं तुम्हें क्या बताया था, देखो बिल्कुल ही बताती हूं। अलग बात है, मैम तो बहुत सारे हैं प्रॉब्लम, पहले भी अपन 5 करवाए थे, जब मैं नहीं थी तब भी हम बहुत थे। अभी तो और भी हैं, करते जाओ। देखो इस चैप्टर की बैग एक्सरसाइज में 67 क्वेश्चन है, ठीक है, एक भी थ्योरी नहीं है। ऑल 67 क्वेश्चन आर न्यूमेरिकल। और इन टेक्स्ट का बताती हूँ, देखो इन टेक्स्ट में कहाँ है आपकी क्वेश्चन, ये रहा सॉल्व्ड क्वेश्चन में 17 नंबर शायद लास्ट है, ठीक है। इन टेक्स्ट में सॉल्व्ड में जो 17 क्वेश्चन है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल, ठीक है। और अनसॉल्व्ड का भी बताती हूँ, अनसॉल्व्ड कोई आखिरी नंबर मुझे दिख नहीं रहा, मतलब ये मान लो इस चैप्टर में 100 प्लस क्वेश्चन होंगे या 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, बता रही इसमें अनसॉल्व्ड नहीं दिख रहा, सारे सॉल्व्ड ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। 100 के आसपास इस चैप्टर में क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल हैं। तो आप सोच लो अगर 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए हैं तो उसके लिए फॉर्मूला तो चाहिए, है ना। अच्छा ये तीनों फॉर्मूला ब्लैक वाले हटा दूं क्या? ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जिससे कि हम इनको रिलेट करते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब एटम्स की दुनिया में ये रिसर्च स्टार्ट हुए, थॉमसन से आपको पढ़ाया जाता है, बीच में और भी कई साइंटिस्ट आए ऑन दी वे, बड़ी क्लासेस में पढ़ाए जाते, छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते। तो हम अपना सीक्वेंस लेते, थॉमसन था, फिर रदरफोर्ड आया, फिर बोहर, बोहर तक की जो दुनिया है उनके मॉडल्स को कहा जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। अब बोहर के बाद डी ब्रॉगली से कहानी स्टार्ट हुई जो अभी तक चल रही है। डी ब्रॉगली यानी ये ओल्ड थ्योरी, अब इसको ओल्ड जनरेशन की थ्योरी कहा जाता है। क्वांटम वर्ड फोटोन से था, है ना, वहां से आया है ये टर्म, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। डी ब्रॉगली के बाद जितने भी साइंटिस्ट आए और आज की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, अभी तक जो थ्योरीज चल रही हैं, इनको कहा जाता है वेव मैकेनिकल मॉडल। अभी हमने पढ़ा ना कि हर चलती हुई चीज को वेव बोल दिया इन्होंने, कि हर चलती हुई चीज को वेव बोल दिया, चलते हुए मैटर को। तो ये वेवी नेचर वाले जो भी अप्रोच है उस पर बेस है, ठीक है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल डी ब्रॉगली का था, तो इन यानी ये न्यू थ्योरी, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू जो थ्योरीज की दुनिया है उनके बीच में एक कनेक्शन लिंक बनती है ये वाली इक्वेशन नंबर 4, जिससे ओल्ड दुनिया के इक्वेशन और न्यू दुनिया के इक्वेशन दोनों को डिराइव किया जा सकता है। कैसे, ठीक है, इस बात को बताती हूँ। तो मैं डी ब्रॉगली से स्टार्ट करती हूँ। इट इज 2πr = nλ है, तुम्हें पता है लैम्डा की वैल्यू होती है h/mv, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 2πr = nh/mv, ठीक है। yes, अब इसके बाद मैं इस इक्वेशन को इसके बाद में यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसे रीअरेंज कर देती हूँ, रीअरेंज करने के मैं एमवी और 2π को रीअरेंज करूंगी, तो देखो क्या बन गया, mvr = nh/2π। ये किसने दिया था? ये बोर की इक्वेशन का था और ये डी ब्रॉगली की इक्वेशन। देखो दोनों एक से कनेक्ट हो गई,
यस मैम पेपर में तो नहीं आएगी ना डीएस का ये यहाँ से यहाँ तक जाना आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी में पूछा ये क्वेश्चन ठीक है ये इक्वेशन कैसे दोनों थ्योरीज में ओल्ड और न्यू थ्योरीज के अंदर करेक्शन देंगे ठीक है जहाँ पे कोई डाउट है पूछो रीअरेंजमेंट से मेंशन कौन सा वाला फिर से बोलो आपने रीअरेंज जैसे करा हाँ एम वी और टू पाई को इंटरचेंज कर दो एम वी को ऊपर ले गए टू पाई को अच्छा जो बच्चे मेरी लास्ट क्लास में थे ना मतलब मैंने लास्ट क्लास में ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं बेटा ये वाली इक्वेशन मैंने जब बोर्ड का थ्योरी पार्ट करवाया था ना तब ये इक्वेशन इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं होता बस जस्ट ये शो ऑफ के लिए लिख दी जाती है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई ठीक है तो ये बोर्ड की इक्वेशन है बोर्ड का पॉस्टुलेट जब मैं आप लोगों को करवाऊंगी ठीक है तो फिर ये वाली चीज भी आएगी इसमें कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकल नहीं आता है तो इसलिए मैंने उन फॉर्मूलाज में आपको नहीं लिखवाया ठीक है तो जो बच्चे मेरी लास्ट क्लास से ज्वाइन किए उन्हें शायद इस इक्वेशन के बारे में पता नहीं है ओके Yes, तो यहाँ पर डी ब्रोगली की ये चार इक्वेशन चौथी इक्वेशन कैसे पुरानी और नई दुनिया जो है उनके अंदर कनेक्ट करती है वो कनेक्शन लिंक का छोटा सा डेरिवेशन पुरानी दुनिया की थ्योरी को क्या कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और नई दुनिया की थ्योरी वेव से आ गई तो वेव मैकेनिक ठीक है तो अब डी ब्रोगली हम कहाँ पढ़ रहे हैं न्यू थ्योरी पे पढ़ रहे वेव मैकेनिकल मॉडल का पहला जो टॉपिक है थ्योरी है वो आपके सिलेबस में क्या है डी ब्रोगली है लिख लिया चलो इसके एक दो क्वेश्चन कराती हूँ और क्वेश्चन कराने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन है तुम्हें हाँ तो हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करते चलेंगे ठीक है वरना बाद में एनसीईआरटी बड़ी भारी लगेगी 100 क्वेश्चन एक साथ लेके बैठेंगे तो मैंने कल तुम्हें बोर्ड्स मॉडल के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर कहाँ गया 19 तक करवा दिए थे है ना 20th क्वेश्चन पर आती हूँ मैं क्या मैं ये रब कर दूँ अच्छा बच्चों एक मिनट का टाइम देती हूँ चारों इक्वेशन याद करो और मैं ये सब मिटा दूँ क्या लिख लिया क्या सबने जल्दी बोलो Yes, ma'am. सबने ना हाँ yes. पहले एक दो बच्चों से सुनूंगी फटाफट से चार इक्वेशन याद करो तब तक मैं अपना क्वेश्चन लिख देती हूँ फटाफट मेमोराइज करो तेज बोल के मैं पहले सुनूंगी है ना उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम हो गया Yes, ma'am. हो गया चलो पहले मैं कुछ लोगों से सुनती हूँ तो मुदित yes, ma'am. हाँ मुझे फटाफट बता दो मुझे डी ब्रोगली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बता दो चलो फर्स्ट इक्वेशन हाँ फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी हाँ रोशनी काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन बताओ रोशनी यस मैम हाँ काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन बताओ मैम माइनस ई टोटल एनर्जी माइनस टोटल नहीं नहीं बेटा अरे माइनस नाथिंग लड़की वो वाली नहीं ये वाली जो अभी हमने किया ना क्या किया अभी डी ब्रोगली इसकी मतलब इसकी सेकंड इक्वेशन बताओ हमें याद नहीं हो रही अभी अभी याद नहीं हो रही अच्छा चलो ठीक है तो करना घर पे अच्छे से करना हाँ चलो कोई बात नहीं मंशा
हाँ मंजिया बताओगी सेकंड इक्वेशन मैम लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू के के इनटू एम हाँ ठीक ठीक कौशिकी वोल्टेज वाली इक्वेशन बताओ इसकी यस मैम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू ई वी एम हाँ ई वी एम क्या है यहाँ पे मैम E is a constant which is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb and V which is voltage. Hmm. ठीक है. Swamishtha, fourth equation बताओ. हम 2 pi R is equal to N into lambda. हाँ. ठीक है. Riyansh, first equation बता दो. Riyansh. Okay. Akanksha. अच्छा रियाज बोलो बोलो रियाज बोलो मैम वेवलेंथ इक्वल्स टू एच बाय एम वी हां सेकंड इक्वेशन भी बता दो वेवलेंथ इक्वल्स टू लेंथ कांस्टेंट अपॉन रो टू के ठीक है चलो भाई अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के बताओ इसकी लैंग्वेज से क्या ये पकड़ पा रहे हो कि ये डी ब्रॉगली का है कोई लिख के तो देगा नहीं नाम वाम कोई नहीं लिखता ये बोस मॉडल का ये डी ब्रॉगली का कैसे सोचा देखो भाई हाँ देखो इस चैप्टर में अभी पुरानी दुनिया की थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसमें भी लैम्डा पढ़ा है लेकिन उस थ्योरी में जो लैम्डा पढ़ा था वो हमने लाइट का पढ़ा था तो जब आप क्वेश्चन को पढ़े तो आप ध्यान से पढ़े तो इन्होंने लिखा है कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ व्हाट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा अच्छा वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन तो मैटर हो गया तो अच्छा ये तो मैटर की वेवलेंथ है और कौन सा मैटर क्या वो मूविंग है आगे लिखा है मूविंग विद वेलोसिटी कि हाँ ये मैटर तो चल भी रहा है एक चलते हुए मैटर पर तो कौन काम करता है डी ब्रॉगली ठीक है अब देख लो जरा उसका लैम्डा तुम्हें निकालना है ना तो चलता हुआ मैटर है इससे मुझे पता लग गया कि अच्छा यहाँ पे डी ब्रॉगली लगेगा ठीक है अभी अभी रेडबर्ग इक्वेशन में लैम्डा तो वहां भी पढ़ के आए हो ठीक है उसका क्या हिंट था इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे भागेगा ऑर्बिट का नंबर तो देना चाहिए ऑर्बिट का नंबर तो दिया नहीं है मतलब ये वो रेडबर्ग वाला लैम्डा तो नहीं है समझ गए ना ठीक है ये तो इलेक्ट्रॉन वाला लैम्डा हो गया तो डी ब्रॉगली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वेलोसिटी कितनी दी गई है 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड दी गई है ठीक है तो तुम्हें पता है वेलोसिटी वाला कौन सा इक्वेशन लगा दूं बता दो पहला वाला इक्वेशन लगा दे बिल्कुल अच्छा अब यहाँ पर बच्चों H तो कांस्टेंट है कितना 6.626 10 की पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकंड वो आपने रख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद करना है मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ है ना जब चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखवा दिए थे ठीक है यहाँ पे लिख लो आप देखो जैसे न्यूमेरिकल में आ जाएगा ना तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने कहा है कि ये तुम्हें याद होना चाहिए ये हम नहीं बताएंगे बार बार है ना देखो लिख के नहीं दिया इन्होंने 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मैं इसके आगे लिख देती हूँ ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये याद हो ठीक तो ये आपने रख दिया यहाँ पे एम के एस में लिख रहे हैं कि एनर्जी जूल में मास किलोग्राम में रखना 9.1 माइनस 31 किलोग्राम यूनिट साथ में लिखना किसकी 10 टू की पावर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की माइनस 34 ऊपर एच में माइनस 34 है और एम में नीचे माइनस 31 है ठीक है और वी कितना है वी कहाँ गया मीटर्स में है ना वी 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर्स पर सेकंड ये रख दोगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे सॉल्व में पहले सारी 10 की पावर्स को अलग कर देना तो मैं इसको ऐसे रख दूं 6.626 ठीक है अपॉन 9.1 इंटू 2.05 इनको सेग्रीगेट कर लो ऊपर 10 की पावर है माइनस 34 नीचे कितनी है 10 की पावर माइनस 31 प्लस 7 दोनों को ऐसे ऐड करके है ना लिख दो फिर इनको आप ऊपर भी ले जा सकते हो इसको इनको आगे सॉल्व कर लेना 6.626 अपॉन 9.1
2.05 into 10 की पावर माइनस 34, ठीक है, नीचे वाले वैल्यू ऊपर जाते तो प्लस साइन बदल जाता है, तो प्लस 31 माइनस 7, 10 की पावर्स को यहाँ से निकाल लो, ठीक है, तो ये वैल्यू न्यूमरल्स में अलग हो जाएंगे और 10 की पावर्स मल्टीप्लाई में काफी आ जाएंगी। तो देखो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये डी ब्रोगली का है भाई। देखो जब टाइम की कमी हो तो इतना तो लिखना है क्योंकि स्टेप मार्किंग है, ठीक है, अब एग्जाम में टाइम हो तो करो आराम से, नहीं है तो इतना तो लिख के आओ क्योंकि टीचर तो तुम्हारे फॉर्मूला देखेगा, वैल्यू देखेगा, यूनिट देखेगा, तुम्हारी कैलकुलेशन का कुछ पार्ट भी उसको दिख गया कि तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बेस पे मार्क्स लो के देगा वो, तो आधा नंबर काटेगा बस, आंसर नहीं लिखने का, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 इसके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है, देखो इसने इसमें सबसे पहले लिख के दिया है द मास। अब देखो इसका मन किया तो इसने लिख दिया द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, ठीक है, देना था तो ये क्वेश्चन पहले देता ना, ये क्वेश्चन तो बाद में दिया, और जिसमें तुमसे मास याद कराया वो वाला क्वेश्चन देखो इसने पहले दे दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन में मतलब जब भी जिसका मन होता है कैसे भी दे देता है क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला, तो इसलिए तुम्हें तो याद होनी चाहिए कुछ चीजें। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल्स, कैलक्यूलेट इट्स वेवलेंथ। बताओ क्या ये डी ब्रोगली का है? यस। कैसे पता चला डी ब्रोगली का है? ये तो अभी मैंने बताया। एक मिनट साथ काइनेटिक एनर्जी को देख के पता चला, ये क्या बात हुई? काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन तो उसमें भी था, बोर्ड में भी होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। हाँ, सबसे पहले तो तुमने तुम उस मैटर को ढूंढो, अगर डी ब्रोगली तो मैटर लिखा होगा, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को देख के कहा अच्छा ये तो मैटर की दुनिया को बिलोंग करता है, इसका मास दिया इन्होंने, क्यों दिया, ये चाहता क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी दी है, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो अच्छा इसने मैटर की काइनेटिक एनर्जी दे दी और मैटर का वेवलेंथ पूछ रहा है, ओके ये तो डी ब्रोगली है। क्या ये बात समझ में आई? Yes. कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? I'm second. Under the root 2 into kinetic energy into m, ठीक है, रख दो वैल्यू, तो लैम्डा तुम्हें निकालना है, h हो जाएगा 6.626, 10 की पावर माइनस 34 जूल्स इंटू सेकेंड्स, अंडर द रूट 2 काइनेटिक एनर्जी जूल्स में होनी चाहिए क्योंकि ऊपर जूल्स वाला है ना, बिल्कुल जूल्स में ही है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल, और क्या करें, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये तो हमें याद ही था। यहां से लैम्डा निकाल लोगे, ठीक है, अब इसको जैसे भी सॉल्व करो, ठीक है, वरना ऐसे ही रख दो। मैं तो रूट में आ रहा हूं, नीचे वन डिनोमिनेटर्स का यार रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। अरे क्या करें, ऐसे ही करना पड़ेगा, जो मैथमेटिकल है नो शॉर्टकट, ठीक है, तो अंडर द रूट 2 इंटू 3 इंटू 9.1 का तो अंडर द रूट ले लेते हैं, इंटू 10 की पावर्स को एक साथ कर लेते हैं, 10 की पावर माइनस 25 और माइनस 31 पावर्स दोनों ऐड हो गई है ना, और इनकी पावर्स का हाफ हो जाएगा मैम माइनस 28, ठीक है, ये कितना आ रहा है माइनस, अच्छा हाफ करके बोल रहे हो तुम? यस मैम माइनस 28 हाफ, ठीक है, सबको समझ में आ गया, 6.626 मतलब रुको,
इसकी पावर को मैं ऐसे लिख देती हूँ हाफ, और 6.626 10 की पावर माइनस 34 अंडर द रूट 2 इनटू 3 इनटू 9.1 किया, और 10 की पावर 25 और 31 कितना आया था 56, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने 10 की पावर माइनस 56 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जो भी आपने मुझे बताया कि माइनस 28 आ जाएगा, समझ गए क्या? मैं माइनस 28 10 की पावर, हाँ है ना, 10 की हाँ 10 की पावर माइनस 28, बस अब इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और इस तरह से जितना भी स्टेप्स तुम निकाल पाओ, बाकी आधा नंबर थोड़ा दान कर देना, बलिदान दे देना उसका, ठीक है। मैम बाकी सारे मतलब आईसीएसई बोर्ड और उसमें हम कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है, बस। और पता है आईसीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस तुम देखना, उनके ऑब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, मतलब उनकी कैलकुलेशन सीबीएसई बोर्ड की कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, उन्हें कैलकुलेटर्स अलाउ होता है। और सीबीएसई के जितने भी, चाहे 11th हो 12th हो, हर क्लास के चैप्टर में इन्होंने इतनी लेंथी लेंथी कैलकुलेशन डाली है कि कोई इंसान मैनिपुलेट करेगा तो उनको इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। अलाउड नहीं है, क्या करें, जो है वो है। हम किसी को मतलब आते ही नहीं होंगे न्यूमेरिक्स में, केमिस्ट्री में, क्योंकि ये तो मतलब बदलते होंगे ना आंसर, मतलब किसी का कुछ आगे पीछे कुछ ये फिर से बोलो। नहीं, बुक तो कई सालों से सेम चली आ रही है, ठीक है। नहीं मैम, मैं कह रही हूँ कि किसी को फुल नहीं आते होंगे ना टेस्ट में, ऐसे क्वेश्चन में कैसे आएंगे, वो तो है ही, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा मार्क्स तो कट ही जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आया? यस मैम। अच्छा, इसके ना अब दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए, तो इसका हिंट तुम समझ गए। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें देती हूँ, देखो अब देखो बीच के इनमें से कोई डी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए एनसीईआरटी के, ठीक है, वो तुम लोग करके आओगे। देखो होमवर्क, अब तुम लोगों का होमवर्क क्या है, जिस बच्चे ने जहां से ज्वाइन किया उसी कंटेंट से वो स्टार्ट करेगा। सबसे पहला पार्ट है रिटन फॉर्म में तुम्हें इस चैप्टर के ऑल टॉपिक्स, मतलब खाली हेडिंग लिखी है विद ऑल फॉर्मूला, ठीक है। एक पेपर पर चैप्टर की स्टार्टिंग से कहां से चल रहा है वो हेडिंग्स लिखते जाओ, मतलब चैप्टर तुम्हें याद हो जाना चाहिए। जब तक मैं चैप्टर को खत्म कराऊंगी अगले 5-10 लेक्चर में, तब तक हर क्लास में ये चीज रिपीट होनी चाहिए, और सारे जितने अभी तक के फॉर्मूलाज हैं स्टार्टिंग से वो सारा आप लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा काम है, ज्यादा हैवी काम नहीं है ये, ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क दे रही हूं मैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का एक मैं आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर है 2.32, ठीक है। एक मैं आपको दे रही हूँ, इसके एक्चुअल क्वेश्चन ना बड़े बिखरे हुए मैनर में भी मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 2.532 के बाद सीधे 57 पर है डी ब्रोगली, और क्वेश्चन नंबर 2.58, क्वेश्चन नंबर 2.59, एंड क्वेश्चन नंबर 2.60, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस डी ब्रोगली, इसमें शायद एक नहीं शायद है किसी का, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, दो मैंने करवा चुकी हूँ, और बैक एक्सरसाइज के ये वाले 5 क्वेश्चंस, ये तुम लोग के होमवर्क, समझ गए। होमवर्क नोट करो अभी, डन, ठीक है ना। अब जिसके डाउट है बिल्कुल, वो मैं अभी क्लास के एंड में आप लोग के डाउट लेती हूँ, तो आप लोग आराम से स्टे कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा लिखेंगे, ये राइटिंग पार्ट में, ये सब जीसीआर पे अपलोड होगा, सुन लिया? ओके मैम। गूगल क्लासरूम पे अपलोड करोगे, या जो भी डाउट्स होंगे इसके वो मैं आपकी क्लास पे ले लूंगी। हाँ, अब आप लोग लीव कर सकते हैं, और जिनके डाउट्स है वो यहाँ पे रुक जाए। क्या क्या डाउट्स है बताओ मुझे, बता दू ना। ओके, मोस्ट वेलकम मैम। मोल कॉन्सेप्ट से, हाँ पूछो पूछो मैम। एक्सरसाइज का मैम फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए मैम,
उसका फर्स्ट पार्ट में बस एनसीईआरटी का एरो पे बुक लो एनसीईआरटी का कह रहे हो यस मैम बैक एक्सरसाइज का यस मैम कैलकुलेट दी मोलर मासेस तो बेटा मोलर मास निकालना है बस जैसे H2O है यही पूछ रहे हो 2 प्लस 16 यानी कि 18 बस यही फाइंड करना है मैम मोल कॉन्सेप्ट का मैम उसमें वो है ना 1 ग्राम में हमें निकालना है कहां है कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन बोलो मुझे उसका स्टेटमेंट बोलो जरा तो 1.1 पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना बैक एक्सरसाइज के मैम 2.1 मैम वही तो है स्टार्टिंग का अच्छा सेकंड चैप्टर का बोल रहे हो 2.1 अच्छा ये तो पूरी क्लास में करा दूंगी अगली क्लास में करा दूंगी इसको या मैं एक्चुअली ना क्या हुआ कि ये मुझे करवाना था है ना मूल कॉन्सेप्ट का पहले ही बट कुछ बच्चे का आना जाना हो रहा था तो मैंने सोचा कि जरा क्लास टेबल हो जाए तो चैप्टर के आखिरी में इन दोनों को लूंगी इसलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया था ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 1-2 ठीक है ये तो मुझे पूरी क्लास को ही करवाने हैं ठीक है तो कोई अगर अर्जेंसी नहीं है तो थोड़ा रुक जाओ है ना चैप्टर के एंड में लूंगी तो हमारा सीक्वेंस नहीं टूटेगा फिर ठीक है यस थैंक यू ओके और कोई डाउट नहीं और किसी का रश रश नहीं चल ठीक है